तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है एक वीडियो एडिटिंग के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पिक्सार्ट के अंदर कुछ ऐसी एडिटिंग करना सिखाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे हमारी ये फ़ोटो जो देख रहे हैं, ये फ़ोटो एक सिंपल एवं साधारण मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो है और ये फ़ोटो बिल्कुल DSLR जैसा आपको लुक में देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो जो मैंने है पिक्सार्ट एप्लीकेशन से बनाई है। तो ये जो फ़ोटो खींची हुई है एक आइटल फ़ोन से खींची हुई है। आइटल जो 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाता है आपको फ़ोन, उस फ़ोन से ये फ़ोटो जो है खींची है। तो ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं DSLR जैसी बनी है, आप मानेंगे नहीं कि ये आइटल फ़ोन से खिंचा हुआ फ़ोटेज है। तो ऐसी फ़ोटो बनाने के लिए आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ओटू कैम एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों एप्लीकेशन की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप ऐसी फ़ोटो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसका बैकग्राउंड जो ब्लर देख रहे हैं, वो ब्लर थोड़ा अट्रैक्टिव आपको DSLR की तरह लग रहा है, तो ऐसा ब्लर आपको कोई मोबाइल फ़ोन नहीं देता है। ये सिर्फ़ आप पिक्सार्ट से ही कर सकते हो, नहीं तो सिंपली सीधे DSLR कैमरे से ही ऐसा आपको ब्लर देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा फ़ोटो मैं आपको बनाने के लिए आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आपको अगर ज़रा सा भी पिक्स एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तब आप समझ पाएंगे कि DSLR जैसी एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली यार चलते हैं ओटू कैम एप्लीकेशन के अंदर। तो ये है जो ओटू कैम के अंदर, तो मान लीजिए कि आप फ़ोटो खींचते हैं, वो थोड़ा फ़ोटो गंदा है, भद्दा एवं धुंधला है, तो उसको सबसे पहले ओटू कैम से साफ़ करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर लें वीडियो को, और चैनल पर नए अगर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जितनी भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओटू कैम को आप यहाँ पर ओपन करेंगे और करेंगे यहाँ पर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको मान लीजिए ये फ़ोटो जो है थोड़ा गंदा दिख रहा है हमें, तो मान लीजिए कि आपके मोबाइल फ़ोन में ब्लर नहीं है तो यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं। ये ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ब्लर देखने मिलेगा। तो इस फ़ोटो में ब्लर नहीं है तो मैं यहाँ से इसको ब्लर भी कर देता हूँ। तो दो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने हैं प्ले स्टोर से, जिनकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसका देख पा रहे हैं ब्लर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर ब्लर किया है मैंने। और ब्लर करने के बाद इसको थोड़ा हम करते हैं साफ़, फ़ोटो थोड़ा धुंधला है, इसको हम साफ भी कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से टोन पर क्लिक करेंगे, टोन पर क्लिक करने के बाद इसको फ़ोटो को गोरा जितना चाहूँ आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं इतना धुंधला फ़ोटो है और ये कितना ही अट्रैक्टिव लगने लगता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा गोरा करने के बाद आपको इसको कर लेना है सेव अपनी गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर सेव करने के बाद आपको जो है पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, जैसा कि मैंने पिक्सार्ट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ओपन कर लिया है, आप और आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, डाउन कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन को और ऐसे ही ओपन करेंगे जिस मैंने कर किया है। ठीक है, तो पिक्सार्ट को फ्रेंड्स आप ओपन करेंगे तो आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक, जैसे ही आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पिक्सार्ट एप्लीकेशन के थोड़ा अंदर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से अंदर पहुँचने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखिए पिक्सार्ट एप्लीकेशन का, और जिस भी फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को, यहाँ से आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को लेंगे। तो मैंने इस फोटो को अभी वहाँ पर किया था थोड़ा वाइट यानी कि गोरा गारा, तो यहाँ से उस फोटो मैंने लिया है ले, और यहाँ पर उसी तरीके की फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरीके से आपने अभी स्क्रीन पे फ़ोटो मेरी देखी थी, मैं वही फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो मैं आपको अभी वहाँ बना के दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ये वाली फ़ोटो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं एक सिंपल मोबाइल से खिंची हुई है, DSLR जैसी लग रही है। यही फ़ोटो वहीं मैं आपको दिखाऊंगा बना के पिक्सार्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये वाली फ़ोटो बना के दिखाता हूँ DSLR जैसी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको करना क्या होगा, इफेक्ट पर करना होगा क्लिक पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ से बहुत सारे जो आप इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा इफेक्ट लगता है ये वाला, मैं आपको आगे बढ़ के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा हमें इफेक्ट लगता है ये वाला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं DSLR जैसा इफेक्ट। बहुत सारे लोग इस इफेक्ट के लिए यार ढूंढते रहते हैं एप्लीकेशंस को, तो ज़्यादा यार एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करो, सिर्फ एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो पिक्सार्ट, और हमारी वीडियो को देख लो आप सारा एडिटिंग समझ जाएंगे। तो यहाँ से इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और ये फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हटा बढ़ा क्वालिटी और कलर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये फ़ोटो आपको बना के दिखा ही दिया है कितना अट्रैक्टिव, और यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आप फोटो देख रहे हैं कितनी अच्छी ही लग रही है फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो बना सकते हैं इस टाइप की। और यहाँ से बहुत सारे आपको फिल्टर देखते हैं, नीले, काले, हरे, पीले, बहुत सारे आपको यहाँ पर ब्लर मिलेंगे, जो ब्लर चाहो आप लगा सकते हो। तो अब हम फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं दूसरा फोटो बना के, वही जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया था वही फोटो इसके अंदर मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो इसको हम थोड़ा बैक लेके यार चलते हैं। तो चलो यार हम दूसरा फोटो यहाँ पर ले लेते हैं ऑल फोटो पर क्लिक करके। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से फिलहाल आप अच्छी अच्छी फोटो बना सकते हो। ये फ्रेंड्स आपने स्क्रीन पर फोटो देखा था, यह है फोटो वही जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा था, और ये है वही सिंपल सा फोटो। तो इफेक्ट पर करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा बहुत सारे आप मैजिक, ब्लर, अट्रैक्टिव और पॉप आर्ट, बहुत सारे यहाँ पर आप जो चाहो यहाँ लगा सकते हो। तो मुझे यही ये सबसे अच्छा लगता है जो है ब्लर यहाँ पर। इस तरीके से फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो बना सकते हो। आप देख पा रहे हैं ये सिंपल सी फोटो कैसी हो गई है, बिल्कुल ही DSLR जैसी कन्वर्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस पर हम करते हैं क्लिक। इसकी क्वालिटी को थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कलर बाउंड, यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, जो इफेक्ट में चाहूँ आप बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम आपको प्रीव्यू करके दिखाते हैं इसका। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर ये आपको थोड़ा धुंधली सी दिख रही है, अभी मैं आपको थोड़ा इससे भी साफ आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ा बैक आ चुके हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे तो उसी तरीके से फोटो हमारी जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप प्रीव्यू दिखा देता हूँ इसका कैसी बनी है। फिर इस टाइप से आप अपनी फोटो को बनाते हैं जिस तरीके से मैंने बनाई है, बिल्कुल ही सेम है DSLR जैसी लग रही है, क्योंकि ऐसा ब्लर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन में नहीं देखने को मिलेगा, कितना भी महंगा मोबाइल फ़ोन हो लेकिन इस तरीके का ब्लर आपको नहीं दे पाएगा, सिर्फ वो DSLR कैमरे के ही अंदर मिलेगा। लेकिन तब भी पर पिक्सार्ट एप्लीकेशन से ऐसा ब्लर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ज़रा सा भी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ आगे वीडियो में यार आपको मिलते हैं। नमस्कार दोस्त, चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं।